Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद चल रहे राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम के बीच उमा भारती ने एक के बाद एक नए ट्वीट करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने अभी राम मंदिर का शिलान्यास किया है तथा आगे देश में रामराज्य लाने का दावा किया है, लेकिन इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्यवाही से आपकी सरकार और भाजपा की छवि पर आँच आई है। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने हाथरस की घटना के बारे में देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं क्योंकि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, किंतु जिस प्रकार से पुलिस ने गांव के एवं पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है उसके कितने भी तर्क हो लेकिन इससे विभिन्न आशंकाएँ जन्मती है। उमा भारती ने कहा कि आप एक बहुत ही साफ सुदृढ़ छवि के शासक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडियाकर्मी को एवं अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि मैं कोरोना वार्ड में हूँ, बेचैन हूँ। अगर मैं कोरोना पॉजिटिव ना होती तो मैं भी उस गांव में उस परिवार के साथ बैठी होती। एम्स ऋषिकेश से छुट्टी होने पर मैं हाथरस में उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूंगी। कोरोना पॉजिटिव साध्वी उमा भारती का शुक्रवार को फिर सीटी स्कैन किया गया था। इसमें उनके स्वास्थ्य में सुधार पाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। बीते 28 सितंबर को बुखार खांसी की शिकायत पर उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स के पीआरओ हरीश थपलियाल ने बताया कि एम्स के प्राइवेट कक्ष में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। शुक्रवार को उनका फिर से सीटी स्कैन किया जाएगा। इसमें उनके स्वास्थ्य में सुधार पाया गया। उनकी कोविड सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को बीती रविवार को बुखार की शिकायत थी, लिहाजा वह स्वास्थ्य जांच के लिए बीती सोमवार सुबह एम्स पहुंची हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.